हम अगर सब साफ रखेंगे तभी सब कुछ साफ सुथरा रहेगा, तो ये मैसेज मैं हमेशा देना चाहूंगा। और क्या करोगे, बच्चे की जान लोगे? एक गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो अभी हम लोग निकल रहे कणकवली के लिए वापस, मम्मी को वापस लेने जाने। आज 3 अक्टूबर है और आज है मंगलवार, ट्यूसडे, तो फटाफट निकलते। ट्रिप इटर मैंने ऑलरेडी जीरो कर दिया। इस बार मैं अलग रूट लूंगा, मतलब लास्ट टाइम जब आपने देखा रहेगा फोंडा कट लिया था मैंने, इस टाइम मैं सोच रहा हूँ, मतलब अभी तक डिसाइड नहीं किया है। मैं अभी भी कन्फ्यूजन में हूँ, अनुस्कुरा घाट लूँ या गगन बावड़ा घाट लूँ। बट गगन बावड़ा घाट मैं सोच रहा हूँ कि ले लूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने गगन बावड़ा घाट मतलब ट्रैवल ही नहीं किया है। मतलब वहाँ का कैसा नेचर है, जो भी है, मतलब बहुत बार किया है ट्रैवल, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस बार एक बार गगन बावड़ा घाट ट्राई कर लूँ। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि जैसे मैं हमेशा बताता हूँ अपने ट्रैवल जर्नी में कि जब भी आप कोई भी खाना खाए या कोई भी चिप्स ले तो गाड़ी में ही रखे उसका कचरा, जब भी डस्टबिन आए तभी वो फेंकना, गाड़ी से बाहर मत फेंकना। तो दैट्स द हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु एवर इज़ वॉचिंग यू, जो भी है, मतलब जो भी ये चैनल देख रहे हैं और जो भी मुझे फॉलो करते हैं, ये चीज़ हमेशा फॉलो करना कि कचरा जो है मैं हमेशा डस्टबिन में ही डालना, गाड़ी से इधर उधर बाहर मत फेंकना। वो आदत मतलब अपने जहन में डाली दो आदत, तो विच इज़ रियली गुड फॉर द एनवायरनमेंट। हम अगर सब साफ रखेंगे तभी सब कुछ साफ सुथरा रहेगा, तो ये मैसेज मैं हमेशा देना चाहूँगा। और चैनल पर अगर नए आ रहे हो तो डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, दैट्स द हम्बल रिक्वेस्ट। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। चलो भैया फिर शुरुआत करते हैं आज के इस रोड ट्रिप की। ट्रिप मीटर ऑलरेडी मेरा जीरो कर दिया, सुबह के 6:40 हो रहे हैं। गणपति बाप्पा मोरया, चलो निकलते सीधा एक्सप्रेस हाईवे पे। तो भाई जस्ट एटीएम से कैश निकालने के लिए रुका था मैं। आप भी जब ट्रैवल करो कैश हमेशा कैरी करना, क्योंकि हर जगह ना कार्ड या गूगल पे चलता नहीं। तो चलो फटाफट निकलते हैं अभी। तो भाई फाइनली एंट्री होने जा रही है अपनी एक्सप्रेस हाईवे पे, यशवंतराव चव्हाण द्रुतगति मार्गावर आपले हार्दिक स्वागत आहे। और टाइम हो रहा है 7:30 एग्जैक्टली, 7:34। तो चलो भैया जारी रखते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप रोड ट्रिप के लिए निकलो अपने फास्टैग का बैलेंस जो है वो ज़रूर ज़रूर चेक कर ले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बैलेंस कम रहता है और हम लोग को वो अचानक टोल नाका आने के बाद याद आ जाता है। तो हमेशा ना निकलने से पहले बैलेंस ज़रूर चेक कीजिए फास्टैग का। तो भाई फाइनली आ चुके हैं खालापुर टोल पे और सुबह के बज रहे 8 और हम लोग ने कवर कर लिया 61 किलोमीटर्स, मतलब खालापुर टोल नाका मेरे घर से 61 किलोमीटर्स है। और भाई साहब जो भूख लगी है ना तगड़ी लेवल की लगी है, तगड़ी मतलब पेट जो है ना पूरा खाली हो चुका है लिटरली। मतलब यहाँ तक आने तक 15 किलोमीटर से मैं ना ऐसे ही कब आएगा ऐसे ही चल रहा था मेरा। तो चलो भैया अपने अड्डे पर जाते और कुछ खाते हैं भैया दबा के। चलो भाई हो गया अपना नाश्ता और इडली सांभर और चाय पिया मैंने और साथ में ये देखो ये पॉपकॉर्न भी ले लिया। अभी ये पॉपकॉर्न मैं खाऊंगा, उसके बाद जो उसका कचरा है गाड़ी में रखूंगा, जहाँ भी डस्टबिन दिखेगा वहीं पे फेंकूंगा। तो इस चीज़ को आप भी फॉलो करना, समझ लो। चलो अभी गाड़ी में पेट्रोल भरते पहले फटाफट। दादा पेट्रोल भरा ऑटो कट परिंदा फुल, खुद का पेट भर लिया, अभी गाड़ी का पेट भरने का टाइम है। चलो पेट्रोल भरते और निकलते फटाफट। भाई लोनावला के घाट सेक्शन में हूँ मैं अभी और लेफ्ट साइड में देखो, अभी ये कैमरे में ना ज़्यादा दिखेगा नहीं लेकिन फॉग है भैया। और आज भी ठीक ठाक है, मतलब ट्रैफिक इज़ ओके, मतलब जो ट्रक्स ब्लॉक करते हैं ना वो अभी तक तो नहीं मिला है, अभी तक घाट अभी और भी पार करना है, तो आगे एक मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो भाई पहुंच चुके हैं तळेगाव टोल प्लाजा पे और कितना टोल कटेगा यहाँ पे वीडियो में फ्लैश कर दूंगा। और टाइम हो रहा है
9:15 मतलब 9:15 एग्जैक्टली और हम लोग का डिस्टेंस कवर्ड इज 110 किलोमीटर कवर कर लिया यहाँ तक, घर से यहाँ तक 110 किलोमीटर हो गया और गाड़ी का एवरेज है 18.6 विच इज रियली नाइस. 18.6 फॉर 1.5 लीटर इंजन, पेट्रोल इंजन, और क्या करोगे, बच्चे की जान लोगे. तो भैया यहाँ पे अपना एक्सप्रेस हाईवे खत्म होता है और टाइम हो रहा है 9:30 और एग्जैक्ट डिस्टेंस कवर्ड इज 121 किलोमीटर्स. तो चलो अभी कंटिन्यू करेंगे NH 48 पे कोल्हापुर तक. बाद में कोल्हापुर के इंटरनल पैच में घुसना पड़ेगा फॉर गगनबावड़ा घाट. तो बने रहिए इस व्लॉग पर और यहाँ तक अगर वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो जो है शेयर कीजिए ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सब पे शेयर करा करो. उससे क्या होता है, चैनल की रीच बढ़ती है तो उससे चैनल ग्रो होने में मदद होगी और फिर हम और भी ज़्यादा रोड ट्रिप्स करते रहेंगे. चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तब हमें स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे रोड ट्रिप के लिए. समझ रहे हो बात भाई? पुणे के किसी इंटरनल ट्रैफिक में फंसे, ऑल्दो हम लोग हाईवे पे ही है, एग्जैक्ट स्पॉट का नाम नहीं पता, बट यहाँ से जैगवार का शोरूम बहुत नज़दीक है, मतलब लेफ्ट साइड में. तो यहाँ से जो लोकल है उन लोगों को तो पता ही रहेगा जैगवार का शोरूम कहाँ पे है. वो रावेत से थोड़ा आगे है हम लोग, थोड़ा सा ट्रैफिक तो है भैया. तो भैया अपनी एंट्री होने जा रही है कातरज टनल में और टाइम हो रहा है 10 और डिस्टेंस कवर्ड इज 155 किलोमीटर फ्रॉम होम और गाड़ी का एवरेज है 18.5. पुणे सिटी में थोड़ा ट्रैफिक मिला था बट ठीक है, इतना तो चलता है यार अभी. तो भाई हम लोग आ चुके हैं खेड़ शिवापुर टोल प्लाजा और टाइम हो रहा है 10:16, कवर कर लिया 164 किलोमीटर. खेड़ शिवापुर में कितना टोल कटा वो यहाँ पे वीडियो में फ्लैश कर दूंगा. भाई थोड़ा सा रुक गया है यहाँ पे मैं, एक्चुअली रुकने का कुछ प्लान नहीं था लेकिन बहुत देर से गाड़ी चला रहा था, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ब्रेक भी चाहिए ना. और ये देखो ये दिख गया मुझे, पेड़ के नीचे गाड़ी चकाचक लगा दी है छांव में, इसीलिए रुक गया मैं यहाँ पे. चलो रुकते हैं, थोड़ी देर के बाद निकलते हैं. चलो भाई हो गया अपना स्ट्रेचिंग ब्रेक. सोचा था 5 मिनट रुकूंगा लेकिन 10 मिनट रुक गए. ठीक है, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है भैया और पानी पीना भी. ये देखो पानी की बोतल है मेरे पास यहीं पे और पॉपकॉर्न हो गया ख़त्म अपना. चलो निकलते आगे. भाई सीरियसली एक बात बताओ, जब से मैंने यार ये मुंबई गोवा रोड ट्रिप की है ना, मतलब जो पुराने रोड से, उसके बाद ना मैं जब यहाँ से ट्रैवल करता हूँ ना, लिटरली मैं बोलता हूँ ना, मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे करने को, चैलेंजेस कुछ है ही नहीं. ये देखो प्रॉपर सिक्स लेन रोड है, बीच में चल रहा हूँ मैं और कुछ नहीं करना है आपको. मैं थोड़ी देर पहले क्रूज कंट्रोल डाला था पुणे के बाद, वापस मैंने हटा दिया क्रूज कंट्रोल, क्योंकि क्रूज कंट्रोल से ना मुझे मेरा स्टेयरिंग पे हाथ ना ऐसा नम हो रहा था, मतलब मुझे नींद तो नहीं आ रही थी लेकिन ऐसा यू नो लाउजी काइंड ऑफ फील आ रहा, लाउजी मतलब थोड़ा सा आलसी वाला फील आ रहा था, इसलिए वापस मैंने क्रूज कंट्रोल निकाल दिया. क्योंकि थोड़ा बहुत तो मूवमेंट होता रहे भैया, मतलब पैर का क्लच ब्रेक एक्सीलेटर कुछ तो चलता रहे, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ है नहीं भाई करने को. एकदम मस्त रोड तो एकदम एक नंबर है, रोड का प्रॉब्लम नहीं है, बट कैसा होता है कि रोड कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो ना तो उससे ड्राइवर को भैया प्रॉब्लम होती है. समझ सकते हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? जो रियल ड्राइविंग एंथुजियास्ट है ना इस बात से काफ़ी रिलेट कर पाएंगे. कमेंट करके बताओ किसको ऐसा एक्सपीरियंस आ चुका है पास्ट में और करंटली. तो भाई कंबाट की घाट की शुरुआत हो चुकी है और टाइम हो रहा है 11, ऑलमोस्ट 11 ही बज गया और हम लोग ने कवर कर लिया 202 किलोमीटर फ्रॉम होम. मुंबई से 202 किलोमीटर हम लोग ने अभी तक कवर कर लिया. चलो घाट को पार करते हैं. सातारा 39 और कोल्हापुर जो है यहाँ से 161 किलोमीटर है. कंबाट की घाट खत्म हो चुका है और वापस वही प्लेन वाला रास्ता आ चुका है. बैंगलोर यहाँ से 770 है और कराड़ जो है वो 80 किलोमीटर है, 80, और टाइम हो रहा है 11:15 मतलब 11:15 और अपनी गाड़ी का एवरेज देखो 18.5. भाई कमेंडेबल, दिस इज मज़ा आ गया आज, ज़बरदस्त. तो जस्ट हम लोग ने आनेवाड़ी टोल प्लाजा क्रॉस किया और टाइम हो रहा है 11:30
और गाड़ी ने कवर कर लिया 232 किलोमीटर्स, गाड़ी ने और मैंने एक साथ, वैसे गाड़ी ने किया प्रैक्टिकली बट चलाई तो आपके भाई ने ना, 232 किलोमीटर्स कवर कर लिया और माइलेज है 19.4, टेक अ नोट 19.4 इज अ माइलेज। ट्रिक बताता हूँ आपको, 3000 आरपीएम के नीचे रखनी है गाड़ी, सॉरी गाड़ी का आरपीएम लेवल 3000 के नीचे रखना है, 80, 85, 90 के ऊपर मत जाना, उसके बाद पेट्रोल खाना चालू करेगी। तो ये ट्रिक ट्राई करके देखना, एवरेज अच्छा मिलेगा, समझ रहे हो बात। और यहाँ से बैंगलोर 748 दिखा रहा है, सातारा 14 और लिम्ब करके एक जगह है वो 3 किलोमीटर्स है, तो चलो जारी रखते हैं। एक चीज़ है जो मैं यू नो इंडिया के बारे में हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ और मैं मन ही मन वो सोचता रहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ आपके साथ शेयर ही कर दूँ, मतलब ओवरऑल इंडिया के बारे में, टूरिज्म के बारे में, यू नो कि इंडिया में बेसिकली, मतलब ये मैं इंडियन हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब यू नो दे ये जेन्युइन फीडबैक है, इंडिया में ना घूमने फिरने की जो जगह है उनकी कोई कमी नहीं है बेसिकली, मतलब कहीं भी जाओ आपको कुछ ना कुछ अच्छे नज़ारे मिल ही जाएंगे। और सेकंड चीज़ है खाना, जो स्पाइसेस, जो मसाले यूज होते हैं, मसाला मतलब मसाला मार के जो फील है ना, चाय में भी मसाला जाता है और फिश के ऊपर भी मसाला मार के जो स्पाइसेस का जो फील है ना, अलग लेवल का। तो बेसिकली आपको अगर यू नो स्विट्जरलैंड का फील चाहिए तो यू कैन गो टू कश्मीर, आपको बाली वाला फील चाहिए तो यू कैन गो टू केरला, और आपको अगर दुबई वाला फील चाहिए, डेजर्ट वाला, डेजर्ट सफारी वाला, यू कैन गो टू जैसलमेर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी ये जो 3 एग्जाम्पल है मुझे मेरे माइंड में है इसलिए मैं आपको बता दिया, बट सच में यार मतलब अपना देश ज़बरदस्त है, वी शुड वैल्यू दैट। मतलब मैं पर्सनली बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं इंडिया में पैदा हुआ, किसी और देश में पैदा होता था तो शायद से पता नहीं, आई डोंट नो, आई फील रियली लकी दैट आई एम इंडियन। भाई अब यहाँ से ना कोल्हापुर ज़्यादा दूर नहीं, 112 113 किलोमीटर ही है, लेकिन ये रोड है ना यहाँ से, मतलब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस से पहले भी ये स्ट्रगल ही था, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या मतलब है, यहाँ पे आके ना ये रोड कागल कोल्हापुर पैच बोलते हैं इसको, ये 4 लेन बन जाता है, और प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रक ड्राइवर्स रहते हैं वो लेन ब्लॉक करते हैं, समझ रहे हो बात है भाई, सामने आप देख ही सकते हो, अभी देखो ये लेन ब्लॉक है बेसिकली, तो ये थोड़ा सा ना यहाँ पे स्पीड ब्रेक डाउन होता है अपना। तो ठीक है यार, मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा आराम से चलना पड़ता है, दैट्स द इशू। ये देखो ट्रक वाले ने अभी ब्लॉक किया है, ये दो गाड़ी वाले आराम से ओवरटेक करेंगे, ये रिक्शा वाले भैया स्लो जा रहे हैं, तो ये दिक्कत है भैया इस स्पॉट की। तो भाई यहाँ पे रुक गया मैं विट्ठल कामत में, वैसे मुझे भूख नहीं लगी इतनी, गाड़ी जगा दी यहाँ पे, भूख वैसे लगी नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहीं पे खा लूँ, क्योंकि इंटरनल कोल्हापुर सिटी में पता नहीं मुझे इतना प्योर वेज मिलेगा कि नहीं, तो चलो खाते हैं कुछ, उसके बाद निकलते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का ही खाएंगे, दाल खिचड़ी टाइप, देखते हैं चलो। तो भाई हल्का फुल्का वेज थाली खा रहे हैं हम लोग, चलो खाते हैं, उसके बाद आपको रिव्यू भी देंगे। भाई हो गया अपना तामझाम, गाड़ी जो है ना पूरी भट्टी बन चुकी है, धूप में खड़ी कर दी ना, और वेज थाली अच्छा था, चपाती थोड़ी सी ठंडी थी, गर्म करने को बोल दिया, ही वॉज वेरी क्विक, और उसके बाद मैंने छाछ नहीं पिया, मैंने पिया कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग पिया, क्योंकि अभी गगन बॉर्डर घाट में जाना है ना, तो इसलिए थोड़ी सी नींद नहीं आनी चाहिए, समझो चलो निकलते यहाँ से। ऑल राइट पीपल, तो वी हैव कवर्ड 284 किलोमीटर्स और हम लोग पहुँच चुके हैं तासावड़े टोल प्लाजा पे, और टाइम हो रहा है एक बज गए, मतलब एग्जैक्टली एक ही बज गए, और गाड़ी का एवरेज है 19.4 विच इज़ डिसेंट इनफ। तासावड़े टोल प्लाजा का जो मतलब चार्जेस है वो यहाँ पे फ्लैश कर दूंगा। भाई कराड़ सिटी में आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 1:15 और कवर कर लिया 296 किलोमीटर्स फ्रॉम होम मुंबई, एवरेज है 19.4। थोड़ा सा ही आगे जाके वो अपना अनुस्कुरा घाट वाला यू नो स्पॉट है, बट वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं तो ब्रिज से ऊपर सीधा चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे कोल्हापुर में जाना है, मतलब कोल्हापुर जाना है मतलब गगन बावड़ा घाट जाना है, उसके लिए मुझे कोल्हापुर में घुसना ही पड़ेगा, रंकाड़ा तालाब वगैरह वो सब करके, समझ रहे हो बात। बैंगलोर यहाँ से 681 है, कोल्हापुर 69, पंजिम जो है 305 किलोमीटर, और पेट वड़गांव बोलते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट कर दो कमेंट बॉक्स में अगर मैंने कुछ गलत बोला, तो पेट वड़गांव है यहाँ से 24 किलोमीटर। पेट वड़गांव में अपने एक दोस्त रहते हैं नरेंद्र भाई, आपने उनको बैंगलोर वाली सीरीज़ में देखा रहेगा, तो चलो भैया जारी रखते हैं। धूप जो है ना भाई, मतलब लिटरली
ऑमलेट बन चुका हूँ मैं अंदर गाड़ी में बैठ के। एसी चालू है बट एसी अगर बंद करेंगे लिटरली मतलब भपका मार रहा है पूरा यार, खतरनाक खतरनाक लेवल की गर्मी है यार भाई। भाई ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं मिशन इम्पॉसिबल 4। मतलब लिटरली पूरा रास्ता ना इसने ऑक्यूपाई कर दिया, मतलब ओवरटेक भी नहीं कर पा रहे किसी को। और यहाँ पे देखो काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, कराड़ से बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं हम लोग। कोल्हापुर का डिस्टेंस कितना है थोड़ी देर में आपको एक मैं इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे कोई बोर्ड दिखता है वैसे। कोल्हापुर स्टिल 42 किलोमीटर अवे और भाई साहब गर्मी का कहर जो है ना जारी है। मतलब जब से अपन ने पुणे और वो पैच छोड़ा है ना, खतरनाक खतरनाक लेवल की गर्मी, बारिश की एक बूंद नहीं गिरी है यार। तो वही चीज़ है और ये रोड बीच बीच में ऐसा उबड़ खाबड़ हो जाता है। ये वाला जो पैच है ना स्पेसिफिकली, इस पर ना प्रॉपर कॉन्क्रीट का ही रोड है तो मज़ा नहीं आता, मतलब ग्रिप इतनी मिलती नहीं है। तो वही है गगन पावड़ा घाट में कैसा रोड है ना उसका कंडीशन मैं आपको दिखा दूंगा। और भाई साहब अगर यहाँ तक वीडियो देखी लिया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, समझ रहे हो बात। तो भाई दोपहर के 2 बज गए और हम लोग ने कवर कर लिया 342 किलोमीटर्स और हम लोग आ चुके हैं किणी टोल नाका। ये मोस्टली लास्ट टोल है, इसके बाद गगन बॉर्डर घाट लगेगा। तो चलो जारी रखते हैं सफ़र अपना। तो भाई फाइनली अपन ने एक्सप्रेस हाईवे छोड़ दिया, मतलब NH 48 है जो अपन ने छोड़ दिया अभी। और अपने को यहाँ से ये देखो यहाँ से राइट टर्न लेना है ब्रिज के नीचे से, दाएं मुड़े फिर बाएं मुड़े। ये देखो यही वो स्पॉट है जहाँ से अपने को गगन बावड़ा वाला जो घाट है वहाँ से जाना है, समझ रहे हो बात। थोड़ा आगे जाके भी दिखा देता हूँ आपको एग्जैक्टली स्पॉट कौन सा। ये देखो ये ब्रिज के नीचे से जाना है हम लोग को और तुरंत अपने को लेफ्ट मारना है। ये देख रहे हो ये जो रोड है ना, आगे जाके थोड़ा आगे जाके ना लेफ्ट मारना है। यहाँ पे लोकमत का बोर्ड लिखा है, लोकमत। और ये देखो होटल आइलैंड करके एक स्पॉट है। ये देखो यहाँ से अपने को जाना है बावड़ा घाट के लिए। यहाँ से आप रत्नागिरी भी जा सकते हो, मलकापुर भी जा सकते हो। कोल्हापुर 6 किलोमीटर है, इंटरनल सिटी, थोड़ा सा रोड ख़राब है। कस्बा बावड़ा ये देखो 4 किलोमीटर है, कस्बा बावड़ा अलग जगह है और गगन बावड़ा अलग जगह है। तो अपने को यहाँ से लेफ्ट मार के कंटिन्यू रखना है भैया। तो चलो अभी पता नहीं कोल्हापुर का ट्रैफिक कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, वो आगे जाके आपको अपडेट कर ही दूंगा मैं। चलो